नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने एक एक्सप्रो है, पैशन एक्सप्रो, और ये चलाते समय ऐसा लगता है जैसे इसका पिस्टन जाम हो जा रहा हो, जो कि टाइमिंग सही है, टाइपिट सही है, इंजन ऑयल है, प्लग सही है, माइलेज सही, सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जाम हो रहा है। उसको आपको दिखाते हैं कैसे प्रॉब्लम करता है, चलाते हैं दिखाते हैं। एक्सीलेटर पूरा ले रहे हैं मेरे दोस्त, देखिए ऐसे चल रहा है जैसे, यानी इंजन जाम हो रहा है बिल्कुल, इस तरह पिस्टन पकड़ रहा है जैसे, समझे आप, पिस्टन ऐसे पकड़ लेता है इस तरह। छोड़िए, देखिए फ्री हो गई, ठीक। अब रेस्ट लीजिए थोड़ा सा, देखिए जैसे रेस्ट लेते हैं तो जो भागना चाहिए जैसे पीछे को आ रही गाड़ी इस तरीके का, तो ये प्रॉब्लम है मेरे मित्र। ऐसा लगता है जैसे कि यानी पिस्टन पकड़ ले, इस तरह की समस्या हो रही। अब इसको हम खुलवाते हैं तब देखते मेरे मित्र, यानी इसको खुलवाते हैं तब दिखाते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे इस पर टाइपिट सेट किया, टाइमिंग चेक किया, सब कुछ चेक किया, सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं। अब इसको खुलवाते हैं पूरा तब दिखाते हैं। मेरे मित्र इसका सिलेंडर भी खोल दिया लेकिन कहीं कुछ नहीं समझ मारा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कुछ भी नहीं है। पिस्टन भी बिल्कुल सही, सिलेंडर भी सही और इधर भी सही, सब कुछ सही है, लेकिन जाने प्रॉब्लम किधर से है, लेकिन करना तो है ही है, देखते हैं। करेंगे भी सही है, कहाँ से प्रॉब्लम अभी दिखाते हैं फिर बताते हैं कहाँ से क्या है वो दिखा। मेरे मित्र इसमें सब कुछ खोला गया है, मैग्नेट भी खोला, सोचा ऐसा तो नहीं मैग्नेट में इसके वायर में कोई समस्या हो, वो भी सब कुछ सही है, कोई समस्या नहीं है, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या प्रॉब्लम है वो नहीं समझ में आ रहा, और ये रेस नहीं ले रहे, रेस ले तो बैठ जाती है, इस तरीके ऐसा हो रहा। मेरे मित्र अभी इसको साफ करके तब देखते हैं, टाइमिंग भी चेक कर लिया, सब कुछ सही, कहीं से कुछ भी समस्या नहीं सवार है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, लेकिन प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, चेक करते फिर बताते कहाँ से क्या प्रॉब्लम। मेरे मित्र सब कुछ करने के बावजूद, यानी इसकी पिकअप कॉइल भी चेक कर लिया, टाइमिंग चेक कर लिया, टाइपिट चेक कर लिया, प्लग चेक कर लिया और एयर फिल्टर चेक कर लिया, यानी एयर फिल्टर कार्बोरेटर, यानी उन सब जगहों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इस तरीके से चलती थी बाइक, जैसे लग रहा जैसे आप खींचोगे तो जैसे लग रहा कि आपकी गाड़ी वहीं बैठ गई। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि वो टाइमिंग आउट, टाइमिंग आउट में तो क्या होता है कि आप एक्सीलेटर लेते हैं तो नहीं भागती है, लेकिन एक्सीलेटर थोड़ा सा डाउन करते हो तो उठने लगती, भागने लगती, वो टाइमिंग आउट वाला भी प्रॉब्लम नहीं था, ये बिल्कुल अलग प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मेरे मित्र एक समझने की बात है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ से समझ में आया, सिर्फ CDI से। अभी हमने क्या किया, इसको जब चला रहे हैं तो इसकी CDI दिक्कत कर रही है, और CDI इसमें लोकल है, ठीक है। अभी क्या किया, इसकी कॉइल प्लेट की वायर हटा दिया है, कॉइल प्लेट का यानी वायर हटा है, तब यानी काम कर रहा, सही चल रहा। अभी दिखाते आप। मेरे मित्र बाइक स्टार्ट है और स्विच, लेकिन लाइट नहीं जल रही क्योंकि कॉइल प्लेट का वायर हटा हुआ, ठीक। और यहाँ से आप देख लीजिए, ये वायर हटा दिया है, सिर्फ पिकअप कॉइल का वायर लगा है बस, ठीक। अब आपको चलाते हैं, बिल्कुल बढ़िया चलती है, दिखाते हैं। मेरे मित्र उस समय रेस ले रहे थे और इस समय, अब यही मेरे मित्र, अब ये वायर लगा के तब चेक करा देते हैं आपको। लाइट देखिए जल गई, ठीक, लाइट जल गई। अब हम दिखाते हैं चला करके। मेरे मित्र देखिए रेस ले रहे हैं, फिर से रेस लीजिए भैया, देखिए ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है कि पिस्टन जाम हो रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से, तभी इसको खोला और तभी हमने इसका पिस्टन चेक किया, ठीक है। तो मेरे मित्र इस तरीके से, और उसको हटाते बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलने लगती है, आप समझे। तो ये प्रॉब्लम जरा सी थी, लेकिन जब तक अनुभव नहीं, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जानोगे नहीं, तब तक कैसे सही करोगे। मेरे मित्र साकेट निकाल दिया, अब देखो लाइट यानी चालू है लेकिन बंद, वहाँ से निकाल दिया, अब आपको फिर से देख लीजिए यानी सही हो गई या नहीं। मेरे मित्र अब
बिल्कुल फर्स्ट क्लास सही चल रही। अब रेस ले रहे हैं तो कोई दब नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, झटके भी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और वैसे तार लगाते ही बिल्कुल दबने लगती है, इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो मेरे मित्र इसमें छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम, सीडीआई, सीडीआई भी चेक करा मेरे मित्र, देखिए ये लोकल सीडीआई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक, लोकल सीडीआई है, इसी कारण से सिर्फ समस्या है, अगर ओरिजिनल हो तो कोई समस्या नहीं। और ये समस्या हमने इससे पहले एक्टिवा में भी देखा था, और एक्टिवा में देखा था, लेकिन एक्टिवा मेरे पास किसी काम से आई थी, लेकिन बनाने के लिए हमको, यानी हम बनाते भी नहीं, और हमने फिर मेरे पास भीड़ थी तो हमने दूसरे के पास भेज दिया था, तो हमने उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन आज बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया कि ये सीडीआई से प्रॉब्लम। मेरे मित्र जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।